प्रोग्राम इल्म दानिश में मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ उम्मीद है आपने हमारे पिछले प्रोग्राम देखे होंगे और उसके बारे में जो फीडबैक आपकी है वो बड़ी इस तरह की है कि हम उसको समझते हैं वो अप्रीशियबल है और हम कोशिश करेंगे आपकी राय के मुताबिक अपने प्रोग्रामों में बेहतरी लाते चले जाएँ तो आप लोग इसको देखते रहिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दी जाए हमेशा जरा हमारे साथ मौजूद हैं सैद सरफराज़ अहमद शाह साहब आज भी हमें गाइड करेंगे हमें बताएंगे रहनुमासूल ज़िंदगी गुजारने के और मुशरे को बेहतर करने के हमारा आज का टॉपिक भी इसी हवाले से है कि तहजीब और माशरे का आपस में ताल्लुक क्या है हमने सब ने ये सुन रखा है कि बाअब बानसीब और बेअब बेनसीब हमारा मज़हब ही हमें ये दर्श देता है कि बड़ों के साथ मोहब्बत के साथ एक शफकत के साथ पेश आओ और छोटों के साथ भी इसी तरह नरमी और शफकत का मुजाहरा करो लेकिन हुआ यूँ कि हम बड़ी तेज़ी से मनाजिल तो तय करते चले जा रहे हैं इक्कीसवीं सदी में लेकिन हमारी अखलाकियात कहीं पीछे रह गई हैं हमने तहजीबी तौर पर उस तरह से तरक्की नहीं की जिस तरह से हमें करनी चाहिए थी तो इसकी वजूहत क्या है इसी हवाले से शाह साहब से बात करेंगे असलमैलिकम वालेकुम वालेकाम ये जो तरक्की है ये एक तरह से तो तरक्की आगे की तरफ है और एक तरफ से पीछे की तरफ हो गई कि आगे की तरफ इस तरह से कि चीज़ें इन्वेंट होती चली जा रही हैं पैसा आता चला जा रहा है माल दौलत बहुत ज़्यादा हो गया लोगों के पास गाड़ियाँ बड़ी हो गई लेकिन सड़कों पर जो मुजाहरे नज़र आते हैं आम वाचरे में जो मुजाहरे नज़र आते हैं वो बद तहज़ीबी के ज़्यादा हैं इसकी वजह क्या मालो दौलत का ज़्यादा होना है तरबियत की कमी है आखिर क्या है बिस्मिल राउ सब मुशरे मलीनियम की जदोजहद के बाद तश्कील पाते हैं ये साल दस साल या सौ साल का किस्सा नहीं है इंसानी इरत के साथ साथ ये मुआरे भी डिवेलप होते चले जाते इसी तरह तहज़ीबें जन्म लेती हैं कई सौ सदियों के रवायात पर बेस करके अगर हम इन्हें साथ ले ना चलें या हमारे ज़हन से ये गोल्डन प्रिंसिपल महब हो जाए कि इंसान का कामयाब होना इतना अहम नहीं है जितना इंसानियत का कामयाब होना है तो अगर हमारी नज़र इस बात पर रहे कि इंसानियत कामयाब हो तो फिर हम अपनी रवायात से अपने माशरती अकदार से अपने ख़ानदानी अकदार से फिर डिबियट नहीं करते ना किसी लालच के तहत और ना किसी दबाव के तहत लेकिन अगर ये गोल्डन प्रिंसिपल हमारी नज़रों से ओझल हो जाए तो फिर मामला वैसे नहीं रहते जैसे उन्हें होना चाहिए मामला में ख़राबी आने लगती है इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका बक्ू पजीर होना बड़ा ज़रूरी है बड़ा एक लाजमी हिस्सा है उससे आप उससे कोई मुफर मुमकिन नहीं है जैसे हम मेडिसिन खाते हैं तुम्हारी बीमारी को तो आराम तो आ जाता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं इसी तरह जब हम तरक्की करते हैं तो अगर हमारी नजर सिर्फ मादी तरक्की पर है तो फिर ये इस किस्म की नतज उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ज़रूर आएंगे कि हमारी माशरतीदार हमारी अखलाकी अकदार हमारे रवायात वो पीछे रहने लगेंगी बदतीसवी तीस में हमारे यहाँ हुआ यही है कि हमने तमाम तर तो जो अपनी फोकस कर दी है एक ही बात पर और वो है मादी तरक्की जब हम मादी तरक्की पर इस तरह से फोकस किए होंगे तो फिर बाकी पहलू हमारे निगलैक्ट होने लगते हैं और वो पहलू निगलैक्ट होने के नतीजे में फिर हमें इसी तरह के मामलत से वास्ता पड़ जाएगा तो अहम चीज़ ये है कि जब भी हम तरक्की के लिए ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट करें पहली बात तो ये है कि जहाँ तक कौमों की बात है कॉमें हों खानदान हों या इंडिविजुअल्स हों जब कभी भी हम अनप्लैंड तरीके पर तरक्की करने की सोचेंगे तो फिर उसके नतज वो नहीं बरामद होंगे जो होने चाहिए पिछले कोई पचास साल पचपन साल से हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमारी नजरों से उजल हो गए इनफराजी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ एहतसाब की बात होती है जो एहतसाब है वो सिर्फ और सिर्फ एक पहलू पर है वो ये है कि कैश कितना इसमें इन्वॉल्व है जबकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उस माली नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान दे जाती हैं शायद आपके साथ ही किसी प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया था कि जो फैसलों में एक्स्ट्रॉर्डनरी डिले होती है हमारे यहाँ वो डिले जो टोटल करप्शन है हमारे यहाँ उससे कहीं ज़्यादा हैवी इंपैक्ट रखती है हमारी एकनमी पर लेकिन हम उस पर नज़र नहीं रखते नहीं। फिर एहतसाब हम करना चाहते हैं जो असूल आप ने हदीस की सूरत में हमें अता फरमाया था कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन हैं। तो हमारे यहाँ दिन में दोनों को एक ही सतह पर डील किया गया लेकिन हमारा फोकस है सिर्फ लेने वाले पर यही वजह के हमसे काबू में नहीं आ रही है रिश्वत। अगर हम दोनों पहलुओं पर जोर दे दें जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो करप्शन बड़ी तेजी से खत्म हो जाएगी जो ज्यादा हमें हिट इस वक्त कर रही है चीज मेरी नज़र में वो माली बेज़तगियाँ इतना हिट नहीं हमें करती हैं जितना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करती हैं हमें जहनी तौर पर ईमानदार होना चाहिए और ज़हनी तौर पर ईमानदार हम उसी वक्त होंगे जब हमारा जो निज़ाम तालीम है जो निसाब है हमारा वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि हम ये प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो प्रोड़ेक्ट जो प्रोडक्ट हम तैयार करना चाहते हैं वो असल में हमारी तालीम का ऑब्जेक्टिव है दो चीजें हम इंश्योर करें एक तो ये है कि हम इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हों और दूसरा ये है कि हम अव्वल दर्जे के पेट्रोइटिक शहरी हो ये दो चीज़ें जब हम ऑब्जेक्टिव के तौर पर अपने सामने रखते हैं और फिर निसाब सेट करते हैं तो प्री स्कूल डेज से शुरू होकर हम आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ डेवलप करते हैं अब प्राइमरी स्कूल तक तो हमें इस पर बहुत जोर देना होगा और उसके लिए खुश्क अंदाज नहीं चाहिए तालीम का बल्कि एक ऐसा अंदाज जो कहानियों की सूरत में हो दिलचस्प पैराई में हो ऐसी चीज़ जिसको बच्चा बहुत दिलचस्पी से सुने और उसकी क्यूरोसिटी अराउज होती रहे जो जो वो सुने तो जब वो ऐसी चीज़ सुन पढ़ता है या सुनता है तो उसके जहन में वो इम्प्रिंट हो जाती है और ये इम्प्रिंट उसका सारी उम्र बाकी रहता है उसके लाशोर में वो जाके जम जाएगी बात और सारी उम्र उसको ये चीज ड्राइव करेगी जब तक हम इस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे उस वक्त तक आपको ये शिकायत रहेगी कि हमारी वैल्यूज वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी जरूरत इस बात की है कि एक तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर सेट कर लें फिर उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए रोड मैप बहुत केयरफुली चैकआउट करें हम अटकल पचू नहीं करते, दे कट एंड पेस्ट से काम ना लें ठीक बल्कि बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव अगर एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे जी जारे 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 ब्रेक लिया हमारी गुफ्तों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद दोबारा आते आपकी खिदमत वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक शाह साहब माजी परस्ती की आपने बात की कि हम माजी परस्ती हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रही है और फ्यूचर की भी बात की आपने यहीं से सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं एक मसला पैदा हो गया हमारे साथ कि माजी हमारा खत्म हो गया माजी परस्ती ज़रूर है लेकिन माजी ख़त्म हो गया उसकी वैल्यूज़ भी हमने ख़त्म कर दी और फ्यूचर की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने अपनाई नहीं है तो हम दरम्यान में खला किसी सूरत हाल में कहीं रह गए तो यही वजह है बुनियादी तौर पर हम खला में घिरे हुए हैं उस खला में हमें हम लात पैर तो मार रहे हैं लेकिन हमें रास्ता कहीं नहीं मिल रहा देखिए माजी परस्ती ठीक नहीं है वो फेलियर का एक गारंटीड नुस्खा है कि अगर हम माजी परस्ती की तरफ चले जाए तो फिर फेलियर लाजमी बात है जो फकीर लोग हैं दरवेश लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ आज में जिंदा रहते हैं तो वो इस तरह थे कि उनके नजदीक गुजरा हुआ कल माजी है जो खत्म हो गया उससे सिर्फ इबरत हासिल की जा सकती है या सबक हासिल किया जा सकता है आने वाला कल एक उम्मीद है और उम्मीद के बारे में किसी को ये यकीन नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी नहीं। तो न वो गुजरे हुए कल की फिक्र कर रहा है उससे सिर्फ सबक ले रहा है न वो आने वाले कल की उम्मीद में बैठा है वो सिर्फ आज जिसमें वो जिंदा है उस आज के लिए वो फिक्र कर रहा है उसका इंतजाम कर रहा है माजी, प्र... माजी प्रस्ती किसी तरह ठीक नहीं ठीक है मैं असल में जिक्र कर रहा था मादा प्रस्ती मादा प्रस्ती अच्छा भैया वो मादी प्रस्ती नहीं था तो ये जो आपने फरमाया कि हम एक खला में जिंदा हैं जैसे मैंने अर्ज किया था शुरू में कि जब हम तरक्की कर रहे हैं दौड़ रहे हैं आप देखिए कि बल्कि ये अगर बात कहूंगा तो बहुत से लोगों के काम आ जाएगी बरसात का मौसम है सड़क पर तो पानी बहुत जमा हो जाता कभी आप देखिए कि कश्ती चल रही है स्पीड बोट या शिप है उसके पीछे एक वेक है जहाज के और उस झाग के दरमियान एक डिस्टेंस रहता हमेशा जी। वो खला है बिल्कुल सही जहाज़ उड़ते हैं इनके लेवल पर इनके बिल्कुल पीछे दूसरा जहाज नहीं जाएगा कि वहाँ पे उसके इंजन से निकलने वाली गैसेस अपना असर रखती हैं वो उसे हम स्लिप स्लिप स्ट्रीम कहती हैं तो जब हम तरक्की करते हैं या कौम तरक्की करती हैं तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज ट्रांजिशन में होती है तो वलनरेबल हो जाती है जे, जे. जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्रेन है अगर वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पर दौड़ रही है जे. तो एक बच्चा छोटा सा कंकर उठा के अगर मारे और इंजन की विंड स्क्रीन पर लगेगा तो इंजन की विंड स्क्रीन जो बहुत मजबूत होती है वो स्मैश हो जाएगी इसलिए कि वो स्पीड पे जा रही है जे, जे. दौड़ती हुई चीज वल्नरेबल होती है इसी तरह जब हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तरक्की पर तो हम वल्नरेबल हो जाते हैं और ये खला पैदा होता है जो जिसको आपने पॉइंट आउट किया जी। और इस, ये खला हर कॉम ने फेस किया है यह नेचुरल नहीं है जी जी। हर कॉम ने फेस किया है वो कॉमे जिनको आज हम तरक्की याफ्ता कहते हैं उन्होंने भी इसे फेस किया उनकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए आप uh. उनके हालात एग्जैक्टली वही जिनसे हम गुजर रहे हैं uh. उससे वो गुजरे हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए जी. सिर्फ प्रिवेंटिव मैर्स ले लीजिए कुरेक्टिव मैयर्स ले लीजिए और कुरेक्टिव मैयर्स प्रिवेंटिव मैर्स स्टीलियोटाइप ना हो बल्कि इमेजिनेटिव हो इनोवेटिव ताकि हम इस दौर से बड़ी जल्दी गुजर जाए जिस वक्त आप कहते हैं करेक्टिव मेज़र्स और इनोवेटिव मैयर्स तो वो अलामा इकबाल का एक दो लाइने में आती हैं कि वो कहते हैं कि इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी ये जो सुरू के मैं आगे तरक्की कर रहा हूँ और साइंस और डिस्कवरीज और सारी ये है तेरे बदन में अगर सोदे लाए ला, ला नहीं अगर सोदे लाए ला के बगैर तो कर रहा है तो मतलब ये हाल में वो करेक्टिव मयर ये वो हैं कि सोज लाइला अपने अंदर पैदा करना ताकि वो ना हो यहीं से एक छोटा सा सवाल और मेरे जहन में आता है वो ये है कि मुआवजे तुमने एक जगह लिखा कि थिंक्स ब्रिंग देर आइडियोलॉजी विद दम हमारे यहाँ चीज़ें इम्पोर्ट होके आ रही हैं ट्रैक्टर भी आ रहा है गाड़ी भी आ रही है हर ये चीज़ आने वाली अपनी आइडियोलॉजी लेके आ रही है उस आइडियोलॉजी के लिए फिर तैयार रहना चाहिए मेरे ख्याल में हमने हमारे सोशल साइंटिस्ट ने वो तैयारी नहीं की कि इन चीज़ों के असर जो हैं वो उस तरीके से उससे बचा कैसे जा सके मैं एग्जैक्टली यही अर्ज कर रहा था जी कि जब इस तरक्की के लिए प्लान किया जा रहा था अगर प्लान हमने किया है तो उस वक्त इसके जो फॉल आउट्स हैं इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं इससे पैदा होने वाली कबाहतें उन सबको अकाउंट फॉर किया जाना चाहिए था और उसके लिए कुरेक्टिव मयर्स ले लिए जाते मुसलमान इस लिहाज से बड़ा खुश नसीब है कि इसको कहीं बाहर से नहीं लाने कुरेक्टिव मयर्स इसको सिर्फ एक ही काम करना है जो अलामा इकबाल ने कहा कि अगर हम दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चों को बहुत साइंटिफिक लाइंस पर दीन सिखाएं दीन में तो एक लफ्ज आगे पीछे नहीं किया जा सकता दे, लेकिन दे। सिखाने के तरीके को हम साइंटिफिक कर सकते हैं ताकि बच्चा उसे बड़ी जल्दी से सीख ले एक जमाना था जब मैं हाई स्कूल में था या प्राइमरी स्कूल में उस जमाने की बात है कि हमारे यहां दीनियात के नाम से इस्लामियात पढ़ाई जाती थी बाद में तो इस्लामियात कहलाई वो वो इंसान को सही डायरेक्शन में स्टीयर करती थी कि कुछ भी हो जाए इंसान अपनी जिंदगी से दीन के असूलों को नहीं निकाल पाता दीन के असूल उसको उसके पांव भटकने से उसे बचाए रखते हैं वो अलाम इकबाल ने बिल्कुल सही कहा हमारे यहाँ वो पहलू अब नहीं है ना घर की तरबियत में है ना स्कूल में है इसे वापस लाना होगा लेकिन तरीका बड़ा साइंटिफिक इस्तेमाल किया जाए ताकि पढ़े लिखे जहन में जो सोचने का आदि है हर चीज पर गौर वो करने का आदि है उसको सेटिसफाई कर वो तरीका कर देगा जैसे मैंने मैं अर्ज किया कि दीन के असूल तो वही हैं जो चौदह सौ साल पहले से क्या तक वही रहेंगे इसलिए कि वो अल्लाह के बताए हुए असूल हैं जो हम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पहुंचे हैं लेकिन उनको लोगों तक पहुंचाने का तरीका साइंटिफिक हो सकता है इसमें एक अगर चीज देखी जाए हमने जहाँ से शुरू में आगाज में हमने बात की मोहब्बत रवादारी आ, एक मुलायमियत के साथ ज़िंदगी गुजारना तो हमारे यहाँ सूफिया की रिवायत बहुत ज़्यादा रही है तो वो रिवायत भी लगता है खो गई है कहीं पे, उसकी जगह एक थोड़ी सी मैं अगर उसको कहूँ कि शिद्दत पसंदी आ गई उससे भी नुकसान नहीं पहुँचाया मतलब राव साहब उसका प्रचार नहीं हुआ उसका प्रचार नहीं हुआ जी और ये औलिया कराम को छोड़ दीजिए हम में से बहुत से लोग इनके वजूद को मानेंगे बहुत से शायद उससे एग्री ना करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और आपके हयात तैयबा वो हमारे सामने मौजूद है एक जगमग जगमग करती हुई रोशनी की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ क्रख्त की कहाँ है कहीं नहीं मिलेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इंतकाम कहाँ है कहीं शायबा भी नहीं मिलेगा उसका नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमानों ने जो कुछ तरक्की की उसमें कहीं आपको कोहनी का इस्तेमाल नहीं मिलेगा एल्बो यूज नहीं हुई है mm -hmm. वहाँ सिर्फ मोहब्बत मरबत रवादारी दुश्मन को भी सीने से लगाने की रवायत हाँ सख्ती है वहाँ सिर्फ एक ही जगह वो है मैदान जंग मैदान जंग में भी सिर्फ उस हद तक जब तक के दुश्मन ने तलवार उठाई भी है अगर उसने तलवार जमीन पे फेंक दी है तो उसी दुश्मन को जिसका सर कलम करने लगा है मुसलमान उसको सीनियर से लगाने की रवायत मौजूद है अगर आप से यहाँ से ब्रेक ले लें इसी पे बात पे वापस आएंगे अभी ब्रेक करिए ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक आ, आप जैसे शार फर मारे थे रसूल कम सर हयात मुबारक के हवाले से तो वहाँ भी मोमिन की पहचान इकबाल ने फिर दोबारा मैं दो लाइनें उनकी वो पेश करता हूँ आपकी खदमत में कि हो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नर्म और रजम हक वातिल हो तो फौलाद है मोमिन मोमिन की पहचान ही यही है कि जब दोस्तों में है रिश्तेदारों में बुजुर्ग में है तो नर्म है बिल्कुल और जब दुश्मन है तो फिर फौलाद की तरह से है बिल्कुल हमें इधर तोजो देना होगी कि हम जो दीन के असूल हैं उनको बच्चों के जहन में किस तरह से उतारें मैं हमेशा एक बात अर्ज किया करता हूं और रिपीट करता रहता हूं बार बार कहता हूं कि हमारे यहाँ एक मास मीडिया मौजूद है जी और वो है मस्जिद का मेंबर और दूसरे नंबर पर है टीवी अगर हम मस्जिद के मेंबर को इस्तेमाल करें और वहाँ एक मुसलमान की खसूसियात पर जोर दें और वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बहुत ही केयरफुली टेलर्ड अंदाजे बयां हो जो लोगों के दिलों में उतर जाए तो हम बड़ी जल्दी वो सोस दिल में पैदा कर लेंगे जो हमने खोया है पिछले कुछ अर्से में मैं इसी हवाले से सवाल मेरे जहन में आ रहा था और वो ये था कि जब हमने बात की कि उसमें सबसे खौफनाक चीज जो आई वो मीडिया ही आया हमारे यहाँ एक तरह से देखा जाए तो खास तौर पर टेलीविजन और टेलीविजन पे जो बाहर की यलगार हुई जो चीजें हमने देखनी शुरू की उसने तो अखलाक़ी ढांचे को हमारे बिल्कुल आ, तबाह करके रख दिया एक तरह से देखा जाए तो वो साइंटिस्ट कहते हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं कि दो चीज़ों ने इंसानी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा किया है एक पहिया पहिया आया तो लोगों के प्राइमरी रिलेशनशिप सेकेंडरी रिलेशनशिप पर चला गया कहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था अब दूर दूर रह रहे हैं और दूसरा टेलीविज़न कि सारी फैमिली एक कमरे में बैठी है विदाउट शेयरिंग एनी थिंग और वो अखलाकी कदरें वो सीख रहे हैं जो टेलीविजन पर मतलब जिसके लिए वो तैयार नहीं है अब बाहर तो ये ना कि वालदे टाइम मखसूस कर देते हैं इतने बजे तुमने देखा है यहाँ पर यहाँ पर वो टाइम भी मखसूस नहीं है तो इसके बारे में जरूर फरमाइए कि ये कितना ज्यादा इसका तबाह को नसर है शायद मैं इसको उतना ज़्यादा तबाह कम तो ना कह सकूं क्योंकि इसके मुसबत पहलू भी बहुत हैं इसने सर्व किया है माशरे को ये बिल्कुल ऐसा है कि चाकू इजाद हुआ है वो चाकू अगर किसी चाबकदस्त सर्जन के हाथ में है तो वो लोगों को बीमारियों से निजात दिलाता है अगर बदकिस्मती से उस चाकू को हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले तो अच्छा नहीं ज़रूरत इस बात की है कि जो भी गवर्निंग बॉडीज़ हैं हमारी वो बगैर देखे बगैर सोचे समझे कवानी बनाने के अगर ये कर दें कि इन कवानी के अंदर एक थोड़ी सी लचक पैदा करें और जो न्यूज़ चैनल्स अप्रूवल देते हैं मुझे सही नहीं पता क्योंकि मैं इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ लेकिन जो हल्का सा आइडिया है मैं उस पर बेस करके बात कर रहा हूँ जो हो सकता गलत हो अगर उसमें ऑब्लिगेटरी कर दे कि सुबह प्राइम टाइम उसमें कहीं एक घंटा हम एजुकेशन एजुकेशनल प्रोग्राम चलाएंगे या शाम को कोई एक घंटा एजुकेशनल प्रोग्राम चला दें बहुत हेल्प हो जाएगी इसी तरह अगर हम चैनल्स पे ऑब्लिगेटरी कर दें कि हम जो मुख्तलिफ हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन और उसका हल मेरे ख्याल में बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया बारे में शायद मैं उस तरह से ना अर्ज कर सकूं इसके अपने फवाद बहुत हैं मामला सिर्फ गवर्निंग बॉडी का है ठीक है कि वहां जो हम एक बार बना लेते हैं कानून कायदे वो हमारे यहाँ डायनेमिक नहीं होते वो फिक्स हो जाते हैं जबकि होना ये चाहिए और ये असम्बलीज ये पार्लियामेंट ये है ही इसी मकसद के लिए कि यहाँ पब्लिक की सहूलत के लिए कवानी में एग्जिस्टिंग कवानी में तरमीम होती जाए साथ ही साथ और नए कवानी बना बनाए जाते रहें हम एक चीज़ बना लेते हैं उसके बाद फिर उसको कभी पलट के नहीं देखते कि इसे कैसा होना चाहिए तो मामला बेचारे टेलीविज़न का नहीं है मामला है कि जो इनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया गया है या इनके ऑपरेटिंग असूल और ऑपरेटिंग कवानी दे दिए गए हैं वहाँ अमेंडमेंट कर ली जाए वहाँ चेंजेस ले आ जाए और उसका बेनिफिट दिया जाए 24 घंटे चल रहा है राउंड द क्लॉक चलते हैं हमारे चैनल्स इनमें चौबीस घंटे में से सिर्फ दो घंटे निकाल देना अभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रैफिक बेहंगम है बिल्कुल कहा यही जाता है कि किसी कॉम के बारे में अगर ये देखना हो कि कितनी महजब है तो वहाँ के ट्रैफिक को देख लें इस पर एजुकेटिव प्रोग्राम अगर चला दिया जाए इसी तरह हमारे यहाँ और बड़ी सोशल लिबल्स हैं बिजली का इस्तेमाल है गैस का इस्तेमाल उसमें जो अनफेयर तौर तरीके इस्तेमाल हो जाते हैं उस पर एजुकेट कर दिया जाए अभी तो उससे भी आगे बात आगे निकल गई ना वो सोशल मीडिया तक आ गई जहाँ पे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है वालदेन ये नहीं देख पा रहे कि वो आपका हमारा ज़माना था किताब बहुत अहम होती थी अभी भी हमारी जिंदगियों में आपकी भी ज़िंदगी में है मुझे मालूम है मैं भी ऐसा हूँ कि जो मैंने अपने सोशल आ, जो मैसेजिंग करनी है उसके लिए कुछ वक्त रखा हुआ है लेकिन मेरा एक बड़ा वक्त मेरी किताब के लिए है किताब मुझे अखलाकियात भी सिखा रही है मेरे अंदर गहराई भी पैदा कर रही है और मुझे आइंदा आने वाले ज़माने के लिए तैयार भी कर रही है तो किताब की अहमियत के बारे में भी ज़रूर मतलब आप मेरे फरमाइएगा उसकी वजह यह है कि लोग सुनेंगे आपको तो आप ही की बात का असर लेंगे ज्यादा देखिए ये बात कहने की नहीं है लेकिन फैक्ट यह है कि हमने एक आसान रास्ता ढूंढा है कि बच्चों को खामोश रखने के लिए कि हमारी वो मसरूफियात में रुकावट न बने हम खुद उनको टेलीफोन के ऊपर इस किस्म के प्रोग्राम लगा के दे देते हैं तो वो उसकी ब्राउजिंग करते रहते हैं बैठे तो माँ बाप अपनी सहूलत के लिए जब ऐसे नेगेटिव रास्ते इख्तियार कर लेंगे तो नतज भी ऐसे ही होंगे